तो आप सबको मेरा अल्ट्राटेक चैनल पर एक और बार स्वागत है फ्रेंड्स। मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आप जब इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से इस जियो की अनलिमिटेड बैलेंस का फ़ायदा उठा सकते हो, वो भी अदर कोई सिम में रिचार्ज करके। तो फ्रेंड्स चलिए इसे आप शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स जियो की कॉल बैलेंस को किस तरह से हम अदर कोई सिम में ट्रांसफ़र करके हम उसके सही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस ट्रांसफ़र के लिए आपको सबसे पहले आपकी प्ले स्टोर में जाना होगा और प्ले स्टोर के ऊपर सर्च बार पे आपको टाइप करना होगा डायल ऐप। तो जब आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये देखिए आ गया। तो इसमें आपको दूसरे नंबर पर जो है 4.6 रेटिंग का ट्रू फोन डायलर एंड कॉन्टैक्ट, इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि इस एप्लीकेशन आपकी जो असली फ़ोन डायलर एप्लीकेशन है उसमें ये ट्रिक काम नहीं करेगा, इसलिए आपको ये फ़ोन डायलर एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी। तो आप देख सकते हो इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी खासी है, 4.6 रेटिंग है और 1 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड भी किया है। तो आप इसे पहले इंस्टॉल कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर एयरटेल, वोडाफोन या फिर आइडिया सिम में ये बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि मैंने उसके भी वीडियो पहले से डिस्क्रिप्शन दे रखी है। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर आसानी से उस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हो। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस तरह की टॉपिक या फिर ये वाले वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक मारना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आप ही पहले दर्शक हो। तो बहुत सारे लोगों को ये इंस्टॉल वगैरह पसंद नहीं आती, तो इसीलिए स्किप कर देते हैं। तो ये देखिए इंस्टॉलिंग कंप्लीट, तो इसे आप ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा कुछ। तो आज मैं आपको पहले एयरसेल सिम पे बैलेंस ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए हमको एयरसेल की कोड टाइप करनी होगी और वो कोड है *149*, उसके बाद एयरसेल की कोड 146, तो उसके बाद आपको फिर से स्टार प्रेस करना होगा और उसके बाद अमाउंट 25, फिर से स्टार और उसके बाद आपकी एयरटेल सिम की नंबर, एयरसेल सिम। तो मेरे पास एयरसेल सिम नहीं है, तो इसीलिए मैं ऐसी वैसी सिम टैप करके मैं इसे कॉल कर देता हूँ। और हमें जियो सिम सिलेक्ट कर देना है इस पर, तो मेरे सिम वन पर है तो इसे सिलेक्ट कर देते हैं। और उसके बाद ये देखिए ये यू कोड रनिंग हो रहा है। तो उसके बाद ये देखिए ये लोकल SMS बैलेंस 0, तो ये आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये नहीं हमारी बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो अब तक ट्रांसफ़र हो चुकी है और वो ट्रांसफ़र होने में काफ़ी करीब करीब एक दिन भी लग सकता है। तो मेरे पास तो ये सिम नहीं है, इसीलिए ये ट्रांसफ़र सक्सेस नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाऊंगा जियो की बैलेंस को टाटा डोकोमो सिम में ट्रांसफ़र करने की ट्रिक। तो इसके लिए आपको पहले टाटा डोकोमो की जो कोड है उसको टाइप करना होगा और वो है *149*182, ये है रियल कोड, तो इसे आप टाइप कर लीजिए, मतलब ये ही मेन कोड है। तो उसके बाद आपको अमाउंट 25 सिलेक्ट करना है और उसके बाद स्टार प्रेस करके आपको आपकी डोकोमो नंबर को प्रेस कर देना है। तो उसके बाद आप हैश प्रेस करके कॉल बटन पे जियो सिलेक्ट करके कॉल कर लीजिए। तो आप देख लीजिए पूरा प्रोसेस। तो उसके बाद ये देखिए कोड रनिंग हो रहा है। तो मेरे पास अभी डोकोमो सिम भी नहीं है, इसलिए मैं ऐसे वैसे नंबर टाइप करके दिखा रहा हूँ। तो ये भी सेम है, तो ये एक दिन के अंदर अंदर आपकी जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर देगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आए, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। सो फ्रेंड्स बाय बाय, आज के लिए बस नहीं और हैव ए गुड ईयर।